सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर? यो फैक्ट है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचान। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तुमको यूनिक पर्सनालिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। ये बताओ, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएस? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। यो फैक्ट, पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में ना ऑर्बिट तो पा लिया, लेकिन रॉकेट के इंजन को उसे पीछे छोड़ा है, बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहे। दुनिया के काम तो आ रहे पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर गर्व करने वाला कोई नहीं। मेरे बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा, The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूं। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की पावर से करंट भी लगता है। यू हैव टू डिसाइड पावर का यूज कैसे करना है। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा। क्या किया तुमने? अपनी प्रॉब्लम्स को ढेर बना दिया और ढेर सीधा ईगो से कनेक्ट। मेरे नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? एक दिन में कोई भी आंसर नहीं कोई जाना। प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोचिए तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, वो बड़े वाली भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? साढ़ा एक नंबर पूरा साल। नब्बे भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया? 82, 82% टाइम। अब 82 से 99 तक पहुंचने का इस जिंदगी में मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा, ये सब वीडियो का जॉब मुझे जिंदगी भर करना ही है। ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, जाके बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ कोई नहीं समझ जिस बच्चे से कितनी है।